गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट हिंदी। आज मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। हिंदी में हम सीखेंगे स्वर अ। क्या सीखेंगे? स्वर अ। अ क्या है? स्वर, जो हम इंग्लिश में उसको साउंड्स बोलते हैं, ठीक है। अ से क्या होता है? अनार। क्या होता है? अनार। अ से अनार। अनार क्या होता है? पोमेग्रेनेट। आप ये फ्रूट है अनार। क्या है? फ्रूट। पोमेग्रेनेट का छोटे छोटे रहे दाने होते हैं इसके अंदर, वो हमारा खून बढ़ाते हैं, हमारा ब्लड बढ़ाते हैं, तो हमारे लिए अनार खाना बहुत अच्छा होता है। आप सभी बच्चे आपसे अनार खाएंगे ताकि आपका जो ब्लड है वो अच्छा से जल्दी जल्दी बढ़ जाए, ठीक है। और से अनार, और अ से क्या क्या होता है? अ से अचकन। अचकन क्या होता है? जो हमारे दादाजी लोग होते हैं वो कोट पहनते हैं ऊपर, है ना, कुर्ता पहनते हैं, ऊपर जो कोट पहनते हैं उसको अचकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचकन। अ से अनार, अ से अचकन। अब ये क्या है? अनानास। अनानास क्या होता है? पाइन एप्पल। आप लोग खाते हो पाइन एप्पल? कैसा होता है? खट्टा मीठा होता है ना, तो ये अ से अनानास बोलते हैं। क्या बोलते हैं पाइन एप्पल को? अनानास। अ से अनानास बोलो। अ से अनानास। और अ से अखरोट। अखरोट क्या होता है? एक ड्राई फ्रूट है। आप लोग खाते हो, आपने देखा इसको अखरोट को कैसा होता है? जो इसका शेप होता है वो हमारे माइंड दिमाग की तरह इसका शेप होता है, गोल सा होता है, और उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट निकलता है उसमें से लाइन्स होती है, जैसे हमारे दिमाग के अंदर वो होती है, इसलिए बोलते हैं अखरोट का जो शेप होता है वो हमारे दिमाग के जैसा शेप होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती है, मैं आपको बताती हूँ। बोलो पहले अ से अनार, अ से अचकन, अ से अनानास, अ से अखरोट, अ से अदरक भी होता है, अ से अचार भी होता है, अ से अखबार भी होता है। लेकिन अभी मैं आपको फोर पिक्चर सिखा रही हूँ, आपको वो फोर बोलती हूँ। बोलो चलो, अ से अनानास, अ से अनानास, अ से अचकन, अ से अचकन। जब मैं बोल रही हूँ आपको मैम के पीछे पीछे बोलना है, अ से अनानास, अ से अनानास, अ से अखरोट, अ से अखरोट, ठीक है। और अ से अजगर होता है, अजगर यानी सांप जो बहुत मोटा वाला होता है उसको अजगर बोलते हैं, ठीक है। अ से अनार, अ से अनार, अ से अचकन, अ से अनानास, अ से अखरोट। चलो फिर से बोलेंगे, अ से अनार, अ से अचकन, अ से अनानास, अ से अखरोट, है ना। अखरोट कैसा होता है? हमारे दिमाग के जैसा होता है, ठीक है। हमें अखरोट खाना चाहिए, है ना। ये सब ये तीनों क्या है? ये दोनों फ्रूट्स हैं और ये ड्राई फ्रूट है, जो सूखे मेवे बोलते हैं वो ये बादाम काजू खाते ना, ये से अखरोट होता है, ठीक है। आज मैंने आपको स्वर सिखाया है अ। क्या सिखाया है? अ। इसके ऊपर मैं एक आपको कविता सिखाती हूँ, छोटी सी है। तो जब आप स्वर सीखोगे तो एक एक स्वर के साथ एक एक कविता आएगी, तो आपको साथ में बोलेंगे, ठीक है। पहले हम बोलेंगे अ, तो बोलो अ से अनार, अनार लगे हैं लाल लाल, अनार लगे हैं लाल लाल, दाने बड़े मजेदार, दाने से छोटे छोटे ऐसे ऐसे करना छोटे छोटे, दाने बड़े मजेदार। अ से अनार, अनार लगे हैं लाल लाल, दाने बड़े मजेदार। बोलो फिर से, अ से अनार, अनार लगे हैं लाल लाल, दाने बड़े मजेदार, है ना, अच्छे है ना। फिर से बोलेंगे, अ से अनार, अनार लगे हैं लाल लाल, दाने बड़े मजेदार। अ से क्या क्या होती है पिक्चर्स? बोलो फिर से, अ से अनार,
मैंने जो निकाली है वो लिखना है, ठीक है। चलो अभी सभी बच्चे मैम के साथ लिखेंगे। जिन्होंने बुक नहीं परचेज की है वो परचेज कर लेना नोटबुक, और उसमें मैम जो पैटर्न निकाली है वो लिखेंगे, ठीक है। चलो पहले मैं आपको सिखाऊंगी और किस तरह से बनाना है। हम पूरा हाथ नहीं सीखेंगे, पहले हम इतना हाफ कप बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? हाफ कप। हाफ कप का बनेगा रेड ब्लू, बॉटम के ब्लू और बॉटम के रेड को टच करना नहीं है आपको, सिर्फ रेड से ब्लू में इतना हाफ कप बनाना। क्या बनाना है? हाफ कप, छोटा उल्टा सी। कैसा सी? उल्टा वाला सी। आपको सिर्फ टू लाइन बनाना है। हाउ मेनी लाइन्स? इन टू लाइन्स। हाउ मेनी लाइन्स? इन टू लाइन्स। व्हाट यू हैव टू मेक इन टू लाइन्स? सी। हाफ कप आपको टू लाइन बनाना है, समझ में आया? कितने में बनाना है? टू लाइन में। टू लाइन में क्या बनाना है? हाफ कप, समझ में आया? चलो ये रेड में क्या बनाएंगे? हाफ कप, बोलो। हाफ कप क्या बनाएंगे? हाफ कप क्या बनाएंगे? हाफ कप क्या बनाएंगे? हाफ कप। ओके, समझ में आया कैसे बनाना है? चलो फिर से ये लाइन सबकी कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको नीचे की लाइन नेक्स्ट लाइन में बनाना है। ऊपर की ब्लू और रेड जो डेली उसे टच करना नहीं। अभी आपको फिर से नेक्स्ट लाइन में रेड और ब्लू सिर्फ टू लाइन्स में हाफ कप बनाना है। क्या बनाना है? ऐसे उल्टा सी। चलो रेड से ब्लू हाफ कप, 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 रेड से ब्लू हाफ कप। जिस तरह से मैंने बोलते हुए लिख लिया है उसी तरह आपको लिखने में बोलते हुए लिखना है, समझ में आया सभी बच्चों को? चलो अच्छे बच्चे लिखेंगे फिर से। रेड से ब्लू हाफ कप। आपको जो ये ब्लू लाइन 1 2 3 4 ये जो ब्लू लाइन इतना बड़ा आपको नहीं बनाना है, सिर्फ आपको 1 2 3 4 सिर्फ टू लाइन में ही उल्टा से बनाना है, समझ में आया सभी को? चलो नेक्स्ट, रेड से ब्लू हाफ कप, रेड से ब्लू हाफ कप, रेड से ब्लू हाफ कप, रेड से ब्लू हाफ कप। इसी पैटर्न से आपको बनाना है और से अनार की पहले हाफ पार्ट लिखना है। क्या लिखना है? हाफ में 1/4 पार्ट लिखना है। और किस तरह से बनाएंगे उसकी ये पैटर्न है। पहले हम उसको आधा बनाना सीखेंगे हाफ कप, ठीक है, बाद में हम फुल बनाएंगे, पूरा थ्री बना देंगे, उसके बाद स्लीपिंग सीखेंगे, स्टैंडिंग सीखेंगे, ठीक है। इसमें भी आपको स्टैंडिंग, स्लीपिंग, हाफ कप, हाफ कप, स्लैंटिंग ये पैटर्न से ही स्वर लिखने हैं। जो पैटर्न हम इंग्लिश में सीखे हैं वही पैटर्न से हम लेटर्स, नंबर्स और हिंदी के स्वर लिखेंगे, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आ गया? अभी सभी बच्चे घर में ये वन पेज लिखेंगे। आपके पास जो नोटबुक है ये वाली, इसमें आप वन पेज लिखोगे मैम के साथ और नेक्स्ट पेज सेम ही होमवर्क में आपको लिखना है, समझ में आ गया सभी बच्चों को? चलो सभी बच्चे घर में प्रैक्टिस करेंगे लिखने की, एक बार फिर से बोलेंगे और से व्हाट इज दिस, क्या बोलते हैं? अनार। और से अनार, और से अनार, और से अचकन, और से अचकन, और से अनानास, और से अनानास, और से अखरोट, और से अखरोट, ठीक है। अब ये हो गया आपके पिक्चर्स, अब हम इसकी कविता गाएंगे, बोलो चलो। और से अनार, और से अनार, अनार
ओके।